बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो लाया हूं कि आपने सब कुछ घास नया लगाया है और हर चीज़ पंप भी नया है, मोटर भी ठीक चल रही है, लेकिन कूलिंग नहीं हो रही है। तो क्यों कूलिंग नहीं हो रही है, यही टॉपिक है आज। और ये मामूली सा प्रॉब्लम है लेकिन ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला है। आप बने रहे मेरे साथ, देखते रहे इस वीडियो को। देखिए ये जो पाइपें हैं डिस्ट्रीब्यूटर, ये जो लगी है डिस्ट्रीब्यूटर, ये पाइप, इसके अंदर तीन पाइपें हैं। अक्सर क्या होता है, ये नमक पानी पर चलते चलते इसके अंदर आप देख सकते हैं नमक, अंदर नमक बैठ जाता है। इसमें भी देखिए नमक बैठा हुआ है और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर भी अंदर से जाम हो जाता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं फ़ोटो में। ये देखिए पूरा ये नमक से जाम हुआ पड़ा है, तो मुँह इसका बंद हो जाता है, छोटा हो जाता है, और जिसकी वजह से कभी एक तरफ पानी गिरता है, कभी दूसरी दो तरफ गिरता है, और कभी तीनों तरफ नहीं गिरता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आते रहता है। अब देखिए ये पाइप, ये भी जाम था, और इसके बाद दिखा रहे हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये एल्बो देखिए। जो एल्बो है, जैसा कि मैंने बताया, देखिए एल्बो पूरी तरह से बंद हो चुका है। इसके अंदर अब पानी कैसे जाएगा? ये बंद क्यों हुआ? नमक वाला पानी जाते जाते धूल मिट्टी भी होता है, उसके साथ साथ ये धूल मिट्टी अंदर बैठ करके और पूरा इसमें नमक पकड़ के ये बंद हो चुका है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, या तो आप इसे ऐसे दबा दबा करके और छोटा पेचकस से इसको निकाल दें। वैसे ये ज़्यादा महंगा नहीं है, 10 रुपये का ये तीनों चीज़ आता है। आप इसे नया बदल लें, इसको नया लगा दें, और ये डिस्ट्रीब्यूटर भी नया लगा दें, ये भी 10 रुपये का आता है, ये भी जाम हो चुका है। और उसके बाद ये पाइपलाइन, आप सबसे पहले पाइपलाइन को देखें। ये पाइपलाइन जो है, अगर ये देखिए बंद है, आप चाहे तो इसे नया भी बदल सकते हैं, और चाहे तो इसे आप ठोक ठोक करके, ये देखिए ऐसे मारेंगे, ऐसे ऐसे देखिए मारेंगे तो कैसे ये नमक झड़ रहा है, देख सकते हैं ये कैसे नमक झड़ रहा है। तो ऐसे आप नमक झाड़ सकते हैं, ये देखिए। अब चाहे तो इसे पाइप को नया कब बदलें, अगर ये हार्ड हो गई है पाइप, जैसे ये देखिए सॉफ्ट है, सॉफ्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसी को लगा सकते हैं, और इसके मुंह पर ये फिट आना चाहिए ऐसे, इसमें थोड़ा सा टाइट रहना चाहिए। अगर ये हार्ड है तो ये दबेगी नहीं, बहुत जोर लगाने पर दबेगी थोड़ी सी, तो उस हालत में मस्ट आप पाइप को ज़रूर चेंज करें। बिना चेंज किए वो काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप हार्ड पाइप को लगाएंगे तो यहाँ से पानी प्रेशर पे पानी निकलेगा और फिर मोटर के ऊपर आपकी जाएगी और मोटर फूंक देगी। तो इसलिए इन चीज़ों का, ये 20 रुपये की चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखें। इसको नरम पाइप डालें इसमें और हार्ड पाइप को हटा दें। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जाम अगर है, ये देखिए जैसे जाम है तो इसको ऐसे मारें, ये देखिए ऐसे मार करके, और इसका कचरा सारा आप बाहर निकालें। ये देखिए दूसरे पाइप में दिखा रहा हूँ, ये देखिए देखिए कैसे निकल रहा है, देखिए ये देखिए कैसे इसमें से मारने के बाद निकल रहा है ये। तो इस तरह से ये देखिए ये सारा कचरा निकल रहा है। इस तरह से आप बिल्कुल सफाई कर दें पाइप को, ऐसे देख लें इसमें अगर कचरा है, देखिए अभी भी कचरा है, तो इसे बिल्कुल मार करके एकदम सफाई करें, और नहीं तो इसे नया बदल दें। बस दो ही कारण है इसको सही करने के लिए। और फिर ये देखिए सफाई साफ हो गया, इसमें पाइप पूरी तरह साफ हो गया, और इसको पानी से धुलाई कर दें और फूंक मार दें इसमें से, ताकि सारा कचरा निकल जाए। ये देखिए इस एल्बो में ऐसे दबाया, हल्का सा ऐसे दबाने के बाद ये चूर चूर हो गया, और देखिए ये कचरा सारा इसका बाहर निकल गया, ये देख सकते हैं कचरा ये। अब दूसरे एल्बो का भी देखिए, ये ऐसे दबाया, ये देखिए ऐसे दबाने के बाद में ये देखिए कैसे निकल रहा है। तो इस तरह से ये सारी नालियों को, पाइपलाइनों को आप सफाई करके और कूलिंग एसी जैसा ले सकते हैं आप। एक काम और करें, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर देख रहे हैं, इसके मुंह में यहाँ पर से आप देखें, अगर किसी किस्म की बाबरी हो तो आप ऐसे छोटा स्क्रू ड्राइवर से इस बाबरी को ख़त्म करें। तीनों तरफ से देखें, इधर से भी देखें, इधर से भी देखें, पाइप निकाल करके इधर से भी देखें, अगर तीनों तरफ कहीं भी बाबरी हो तो आप इसे सफाई कर दें, ताकि पानी के रुकावट ना बन सके वो, और फिर इसको ऐसे पाइपों को लगा करके और फिर इसको जोड़ दें। ये देखिए जब इसको आप फिटिंग करें तो एक वाशर इसमें बीच में लगा दें, ताकि ये जब आप ये वाशर लगा देते हैं तो जो गैप है वो कवर हो जाता है, वरना आप ऊपर से टाइट करेंगे नट स्क्रू को टाइट करेंगे, और वो स्क्रू से ये देखिए स्क्रू टाइट करेंगे तो ये बीच में आ करके इसके गैप को कवर कर लेगा, वरना वो नट को खींच करके और नट को ख़राब कर देगा, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर में इसमें होल हो जाएगा, और उसके बाद फिर पानी यहाँ से इस मोटर पे आती रहेगी और मोटर को फूंक देगी। तो इसलिए आप जो है इसमें ये चीज़ लगा दें, और सुनिश्चित करें, श्योर हो जाएं कि इसमें से पानी टपक तो नहीं रहा जो मोटर पे आए और मोटर को ख़राब करे।
और इसको जब आप टाइट करें तो बहुत हल्के हाथ से टाइट करें, कहीं ज़्यादा टाइट कर दीजिएगा तो वो नट खिंच जाएगा इसमें से। और ये दोस्तों ये एक चीज़ का और ख्याल रखें, जब ये ऐसे बिल्कुल ना छोड़े इसमें, क्योंकि ये लटकने के बाद पानी का जब वजन पड़ता है तो सीधा पानी ये बाहर गिरने लग जाता है और मोटर पे आने लग जाती है। तो आप इसे ज़रूर इस क्लिप में इसको बैठा दें और क्लिप से इसको बंद कर दें ताकि ये पानी इसमें बाहर न जाए। इसी तरह तीनों क्लिपों में, इसी तरह ये तीनों क्लिपों को करें आप। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।